हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, बुजुर्गों, मेहरबान और वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और वेट करते हैं। आज हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे दोस्तों ने हमें बजरिया SMS बजरिया व्हाट्सएप हमें कहा है कि उसके ऊपर इजहार राय किया जाए सारे मिलके। तो दोस्तों की फरमाइश पर आज हम एक ऐसा नाजुक सा मौजू है जिसको अगलामबाजी, मुश्तदनी या मास्टरबेशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, ये इसके पीछे बहुत सारे दोस्तों अवामल हैं, बहुत सारे इसमें मर्द औरत, बच्चे बूढ़े सारे कुछ ना कुछ अपना हिस्सा इस बीमारी में, इस मुसीबत में डालते हैं। उसकी वजह बेशुमार फैक्टर्स हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे बाज़ दफ़ा शादी का ना होना, लेट शादी होनी, इसके अलावा कारोबार में टेंशन, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल हैं। तो ये बेशुमार, इसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग इस कभी फेल की तरफ जो है रजू करते हैं। हमें अरसे से हकीमों की बातें सुनी हुई थी कि इससे ये हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान को जब वो खुद इन ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से, ऐसे मरीजों से मिलता है तो उसको वाकई एहसास होता है कि ये बेचारे कितने मुसीबत में हैं। और सिर्फ हमारे यहाँ चूँकि माशरा हमारा ऐसा है कि जिन्स के ऊपर या जिन्सी अवामल या जिन्सी मसाइल के ऊपर खुल के बात नहीं करते, लोग अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं हल्का फुल्का, वो भी बेचारे जितना जानते होते हैं उतना ही बात करते हैं। तो अपने उन दोस्तों को जो ये इन मसाइल में घिरे हुए हैं, गुलामबाजी में और होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में और इसके अलावा हथरसी में, इन अवामल में अगर वो या झलक लगाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, वो दोस्त अपने आप को ज़ाया ना करें, अपनी तवानाइयों को ज़ाया ना करें। उसका एक असर ये होता है कि एक तो हाफ़ज़े की कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, चीज़ें आपको भूलनी शुरू हो जाती हैं, आपको जाना कहीं होता है, जा कहीं रहे होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनती, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं आप लोग। तो दोस्तों इन अवामल को, बेशुमार अवामल है, मैं समझता हूँ कि दोस्तों को हमारी जो अदारा है, हमारे जो चैनल है, इसकी खिदमात लेनी चाहिए। हम उनके लिए हाजिर हैं, हमें कि अपने हर तरह के मसाइल वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को भी, उनके ऊपर भी नज़र रखें, जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें, उनके दोस्तों के ऊपर भी नज़र रखें, अपने आप के ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि हर किसी को हर तरह के हालात कभी ना कभी फेस करने पड़ जाते हैं। तो इसमें 2-3-4 मेडिसिन हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एग्नेस कास्टेस हैं, स्टेफी साइगेरिया है, वो आप हमारी उन मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अनाकार्डियम है, इसके अलावा कालीफास है हमारे पास, क्लाडियम है, ये सारी मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो हम अपने मुख्तलिफ स्किन के ऊपर एपिसोड बना चुके हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद भी हम बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मैं अपने उन अहबाब को जो इन मसाइल में, जिन्सी मसाइल का शिकार हैं, किसी भी वजह से फैक्टर बेशुमार हैं, बात हमने मुख्तसर करनी है ताकि आप तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारा पैगाम आप तक पहुंच जाए और आप हमें आसानी से जो है वो हमें अप्रोच भी है, हमने आपको ऑप्शन दे दी हुई है। हमारे यूरोप से कुछ दोस्तों ने हमें रिजू करना शुरू कर दिया है, जहाँ जहाँ हमारी मेडिसिन जा रही है हम उनसे, उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें विजिट किया, साथ साथ वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनका सबका शुक्रिया। तो वो हमसे पूछते हैं कि जी आपकी फ़ीस क्या है, तो फीस के बारे में हमें अभी खुद भी नहीं पता, हीरा नहीं बता सकता कि उसकी अपनी कितनी वैल्यू है, ये तो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो फ़िलहाल आप हमें हीरों जैसा काम करने दें, हमारे मिशन में हमारा साथ दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको मेडिसिन बता दी है, अनाकार्डियम है इसमें, इसमें स्टेफी साइगेरिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है, इसके अलावा एग्नेस कास्टस है, इसके अलावा क्लाडियम है, कल्केरिया कार्ब भी है, क्लिकेरिया फास्ट भी काम करती है। तो आप हमें अपनी सिम्टम, अपनी कैफियात, अपना एटमॉस्फेयर, पहले कौन सा इलाज करवाया था, कितना अर्सा करवाया, किस वक्त से आप
इस कैफियत में मुबतला हैं, तो आप हमें ये सारी जो है कैफियत वन बाय वन व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके, या आप नहीं मैसेज कर सकते, मैं उन सब बहनों से उन बेटियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो किसी ना किसी ऐसे मसाइल से दोचार हैं तो आप हम पे इतमाद करते हुए हमसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको उनका हल बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।